गुड डे टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप जानते हैं कि वीक के पहले दिन आप कुछ नया सीखते हैं और उसके अगली क्लास में आप उसका अभ्यास करते हैं। आज आप पिछली क्लास का अभ्यास करेंगे। क्या बता सकते हैं कि नंबरिंग एंड बुलेट्स का उपयोग क्यों करते हैं? अगर आप कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं और लाइन के आगे अलग-अलग प्रकार के सिंबल लगाना चाहते हैं तो बुलेट्स का उपयोग करेंगे। बुलेट से आप हर एक लाइन के आगे बुलेट्स लगा सकते हैं। अगर आप लाइन के आगे नंबर लगाना चाहते हैं तो नंबरिंग का उपयोग करेंगे। क्या बता सकते हैं कि पेज के मार्जिन को कैसे सेट करते हैं? अगर आप पेज के मार्जिन को सेट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए फॉर्मेट मेन्यू के पेज सबमेन्यू की मदद से पेज के मार्जिन को सेट करेंगे। क्या बता सकते हैं फॉर्मेट मेन्यू के किस सबमेन्यू की मदद से पेज के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं? अगर आप पेज के बैकग्राउंड को बदलना चाहते हैं तो आप पेज सब मेन्यू के बैकग्राउंड ऑप्शन की मदद से बदल सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि पेज बैकग्राउंड से क्या होता है? पेज बैकग्राउंड से आप पेज के बैकग्राउंड को बदल सकते हैं, पेज के कलर को बदल सकते हैं, पेज के पीछे कोई भी इमेज को लगा सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग से क्या होता है? डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके द्वारा आप किसी भी लाइन या पैराग्राफ पर की गई फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं और उसको पहले जैसे कर सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि स्लाइड डिजाइन से क्या होता है? स्लाइड डिजाइन से आप स्लाइड का डिजाइन बदल सकते हैं जिससे आपकी नॉर्मल स्लाइड एक अलग फॉर्मेट में आ जाएगी। स्लाइड डिजाइन कई प्रकार की होती है। अब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करें और बताए गए तरीके से इंप्रेस की फाइल को ओपन करें। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में आप पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आप लेआउट में से टाइटल स्लाइड को सिलेक्ट करें और फिर दिए गए लाइन को टाइप करें और उसे 5 बार कॉपी पेस्ट करें। कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से कॉपी पेस्ट करना सीखें। क्योंकि हमें इस लाइन को कॉपी पेस्ट करना है, सबसे पहले इस लाइन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। क्लिक करते ही एक बॉक्स आ जाएगा और इसके अंदर लाइन लिखा हुआ है। सबसे पहले इस लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस लाइन को हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसे शॉर्टकट कमांड से कॉपी पेस्ट करेंगे। शॉर्टकट कमांड से कॉपी करने के लिए अपने एक हाथ से कंट्रोल को बटन को दबा के रखेंगे, फिर दूसरे हाथ से सी के बटन को एक बार दबाएंगे, जिससे लाइन कॉपी हो जाएगी। आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा कि कॉपी हुआ है या नहीं। फिर इसको लाने के लिए हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए एक हाथ से कंट्रोल के बटन को दबा के रखें और दूसरे हाथ से वी के बटन को एक बार दबा दें, जिससे लाइन पेस्ट हो जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर से लाना है तो फिर से पेस्ट कर दें, कंट्रोल प्लस वी, फिर से एक लाइन आ जाएगी। फिर से एंटर बटन का उपयोग करें, कर्सर आपके नीचे आ जाएगा। फिर से कंट्रोल प्लस वी करें, आपकी लाइन फिर से आ जाएगी। आप चाहें तो एडिट मेन्यू में भी जाके पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। एडिट मेन्यू पे क्लिक करें और पेस्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। इस प्रकार से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब आप पहली लाइन को सेलेक्ट करें और उसके राइटिंग के साइज को बदल के दिखाएं। अगली लाइन को बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से फॉन्ट के ऑप्शन को उपयोग करना सीखें, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम इत्यादि। सबसे पहले लाइन को सिलेक्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके आए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, कर्सर को पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके आए, वहां पे क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा, फिर कैरेक्टर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। कैरेक्टर ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हमें फॉन्ट ऑप्शन का उपयोग करना है, इसीलिए हम फॉन्ट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे।
क्लिक करते ही फॉन्ट के ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि फॉन्ट, टाइपफेस, साइज, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हमें साइज चेंज करना है, साइज को हमने सिलेक्ट किया और फिर जाके ओके पे क्लिक कर देंगे। जो हमारा जो लाइन जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ था, उस टेक्स्ट का साइज चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जो हमने लाइन सिलेक्ट किया था उसका साइज चेंज हो गया। फिर से लाइन को सिलेक्ट करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। लाइन को सिलेक्ट करने के लिए आप टच पैड, माउस या कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को फिर से फॉर्मेट मेन्यू पे लेके जाएं और वहां पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आएगा, फिर कैरेक्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखाई देगा। अब हमें बोल्ड इटैलिक करना है, तो बोल्ड इटैलिक को सेलेक्ट कर लें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बोल्ड इटैलिक सेलेक्ट करने के बाद अपने कर्सर को ओके बटन पे लेके आए, वहां पे लेफ्ट बटन दबा दें। इससे आपकी लाइन बोल्ड और इटैलिक हो जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। लाइन हमारी बोल्ड और इटैलिक हो गई है। फिर से लाइन को सेलेक्ट करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। सेलेक्ट करने के बाद हमें अंडरलाइन करना है, इसके लिए हमने फॉर्मेटिंग टूल बार में यू को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। जैसे हमने यू पे क्लिक किया, लाइन के नीचे एक लाइन आ जाएगी। इस प्रकार से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अब आप तीसरी लाइन में टेक्स्ट का कलर बदल कर दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि फॉन्ट कलर को कैसे बदलते हैं। सबसे पहले जिस लाइन में आप फॉन्ट के कलर को बदलना चाहते हैं उस लाइन को सिलेक्ट करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। उस लाइन को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके आए, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। फिर वहां पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद बॉक्स आएगा और कैरेक्टर सब मेन्यू को सिलेक्ट कर लें। क्योंकि हमें इसके फॉन्ट को कलर बदलना है, फॉन्ट के कलर को बदलने के लिए हमें फॉन्ट इफेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। फॉन्ट इफेक्ट को सिलेक्ट करें, फिर यहाँ पे आप फॉन्ट कलर के ऑप्शन को देख सकते हैं। यहाँ के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करें तो यहाँ आपको बहुत सारे कलर दिखाई देंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे बहुत सारे कलर उपलब्ध हैं। किसी भी कलर को सिलेक्ट कर ले जो कलर आपको पसंद है। सिलेक्ट करने के बाद ओके के बटन पे क्लिक कर दें, वह कलर आपकी लाइन पे आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप फॉन्ट कलर का उपयोग कर सकते हैं। अब आप अगली लाइन को आउटलाइन करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से आउटलाइन का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले जिस लाइन पे आपको आउटलाइन लगाना है उस लाइन को सेलेक्ट कर लें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। किसी भी लाइन को सेलेक्ट कर लें जिस लाइन पे आपको आउटलाइन लगाना है। सेलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके आए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर वहां पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा, फिर कैरेक्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करें। कैरेक्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप सभी को फॉन्ट इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। वहां पे आउटलाइन को ऑप्शन दिया हुआ है और आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेना है। आउटलाइन को सिलेक्ट करने के बाद ओके के बटन पे क्लिक करना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपकी लाइन आउटलाइन में बदल जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप आउटलाइन का उपयोग कर सकते हैं। अब आप पहली लाइन को ओवरलाइनिंग करके दिखाएं और लाइन के कलर को भी बदल कर दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से करें। आइए वीडियो की मदद से ओवरलाइनिंग का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले लाइन को सेलेक्ट करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। किसी भी लाइन को सेलेक्ट कर लें जिस लाइन पे आपको ओवरलाइनिंग को लगाना है। लाइन सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने पॉइंटर को
फॉर्मेट मेन्यू पे लेके जाना है, फिर वहां पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आएगा, फिर आपको करेक्टर सब मेन्यू को सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। वहां पे क्लिक करें, एक बॉक्स आ जाएगा, हमें ओवरलाइन लगाना है। ओवरलाइनिंग लगाने के लिए आपको यहाँ के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे लाइन के ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि सिंगल, डबल, बोल्ड, डॉटेड, डॉटेड बोल्ड, डैश इत्यादि। इनमें से किसी भी एक लाइन के प्रकार को सिलेक्ट कर लें, फिर ओवरलाइन कलर में से कलर को चेंज कर दें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक किया तो बहुत सारे कलर यहाँ पे आ गए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप इनमें से किसी भी एक कलर को सिलेक्ट कर लें जो कलर आपको चाहिए। कलर को सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके के बटन पे क्लिक करना है। अपने पॉइंटर को ओके के बटन पे लेके आए, फिर वहां पे क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं आपके लाइन के ऊपर एक लाइन आ गई होगी और उसका कलर भी बदल के आ गया होगा। इस प्रकार से आप ओवरलाइनिंग का उपयोग कर सकते हैं। अब आप अगली लाइन को स्ट्राइक थ्रू करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से करें। आइए वीडियो की मदद से स्ट्राइक थ्रू का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले लाइन को सेलेक्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। लाइन को सेलेक्ट करने के लिए आप टचपैड, माउस अथवा कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपको वीडियो में दिखाया गया, यहाँ पे लाइन को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके जाना है, फिर वहां पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कैरेक्टर सब मेन्यू को सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। सिलेक्ट करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा, क्योंकि हमें स्ट्राइक थ्रू लगाना है। स्ट्राइक थ्रू लगाने के लिए आप ओवरलाइनिंग के नीचे का ऑप्शन देख सकते हैं, जो स्ट्राइक थ्रू का है। यहाँ के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करें तो लाइन के अलग अलग प्रकार आ जाएंगी। किसी भी एक प्रकार को सिलेक्ट कर लें, जैसे यहाँ पे डबल लाइन को सिलेक्ट किया और ओके के बटन पे क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं लाइन के ऊपर स्ट्राइक थ्रू लग के आ जाएगा। इस प्रकार से आप स्ट्राइक थ्रू का उपयोग कर सकते हैं। अब आप अगली लाइन को अंडरलाइनिंग करके दिखाएं और लाइन का कलर भी बदल कर दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से अंडरलाइन का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले जहां पे आपको अंडरलाइन लगाना है उस लाइन को आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे हमने सेकंड लास्ट लाइन को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को फॉर्मेट लिखे ऑप्शन पर लेके जाना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। वहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। फिर आपको कैरेक्टर सब मेन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा, क्योंकि हमें अंडरलाइन लगाना है। अंडरलाइन लगाने के लिए अंडरलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो लाइन के अलग अलग प्रकार आ जाएंगे, जैसे कि आपको वीडियो में देख सकते हैं, सिंगल, डबल, बोल्ड, डॉटेड लाइन। ये अलग अलग प्रकार की लाइन है, आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लें। अगर आपको कलर चेंज करना है लाइन का तो आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। किसी भी कलर को सिलेक्ट कर लें और फिर ओके के बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे अंडरलाइन आ जाएगी और उसके साथ में लाइन का कलर भी बदल के आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप अंडरलाइन का उपयोग कर सकते हैं। अब आप बुलेट्स एंड नंबरिंग का अभ्यास करें। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से करें। आइए वीडियो की मदद से बुलेट्स एंड नंबरिंग का उपयोग करना सीखें। इसके लिए सबसे पहले अपने कर्सर को वहां पे रखेंगे जहां आपको बुलेट्स और नंबरिंग को लगाना है। वहां पे सेलेक्ट करें, फिर अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके आए और वहां पे क्लिक कर दें। एक बॉक्स आ जाएगा, फिर बुलेट्स एंड नंबरिंग को सेलेक्ट कर लें। क्योंकि हमें बुलेट्स लगाना है तो बुलेट्स के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। यहाँ पे बुलेट्स के बहुत सारे ऑप्शंस होंगे,
जो भी स्टाइल आपको पसंद है उसको सेलेक्ट कर लें और फिर ओके पे क्लिक कर दें। वह बुलेट्स आपकी लाइन पे आ जाएगी। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बुलेट्स लाइन के आगे आ गई। इसी प्रकार से अगर आपको नंबरिंग लगाना है, आप बुलेट्स और नंबरिंग को शॉर्टकट तरीके से भी लगा सकते हैं। जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है, अपने पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूल बार में लेके जाए, यहाँ पे बुलेट्स और नंबरिंग का एक आइकन दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। अपने कर्सर को वहां पे लेके जाए और क्लिक कर दें, एक बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हमें नंबर लगाना है तो हम नंबरिंग टाइप पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही नंबरिंग टाइप पे क्लिक करेंगे तो नंबर के अलग अलग टाइप यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जो भी टाइप आपको पसंद है उस टाइप को सेलेक्ट करें, फिर ओके पे क्लिक कर दें। वह आपके लाइन के आगे आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर से लाइन के आगे क्लिक करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। फिर से स्टैंडर्ड टूल बार के शॉर्टकट में बुलेट्स एंड नंबरिंग पे क्लिक करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। वहां पे क्लिक करते ही बॉक्स आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। क्योंकि हमें ग्राफिक्स लगाना है तो इसीलिए हमने ग्राफिक ऑप्शन को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे ग्राफिक्स के बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आपको। जो भी पसंद है उस ग्राफिक को सिलेक्ट कर लें, फिर ओके पे क्लिक कर दें। वह ग्राफिक्स आपके लाइन के आगे आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप बुलेट्स और नंबरिंग का उपयोग कर सकते हैं, अपने लाइन के आगे बुलेट्स, नंबरिंग और ग्राफिक्स लगा सकते हैं। अब आप स्लाइड के लेफ्ट साइड में मार्जिन को सेट करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से पेज के मार्जिन को सेट करना सीखें। सबसे पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। पैराग्राफ सिलेक्ट होने के बाद अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके आए, फिर वहां पे क्लिक कर दें, एक बॉक्स आ जाएगा। फिर पैराग्राफ के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, फिर इंडेंट एंड स्पेसिंग को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। बिफोर टेक्स्ट, क्योंकि हमें टेक्स्ट से पहले स्पेसिंग देना है तो इसके लिए हम बिफोर टेक्स्ट पे स्पेसिंग देंगे। आफ्टर टेक्स्ट से टेक्स्ट के बाद में आप स्पेस दे सकते हैं, तो हमने इसको भी यहाँ पे चेंज किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट से पहले स्पेस आ गया और टेक्स्ट के बाद भी स्पेस आ गया। इस प्रकार आप बिफोर टेक्स्ट से टेक्स्ट से पहले स्पेस दे सकते हैं और आफ्टर टेक्स्ट से टेक्स्ट के बाद स्पेस दे सकते हैं। अब आप पेज के बैकग्राउंड को बदल कर दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से सीखें कि पेज के बैकग्राउंड को कैसे चेंज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करें, उसके बाद पेज लिखे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है, यहाँ पे पेज के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, पेज और बैकग्राउंड। क्योंकि हमें इसके बैकग्राउंड को बदलना है तो बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं फील के ऑप्शन में नन लिखा हुआ है, क्योंकि हमने अभी कोई भी बैकग्राउंड को सिलेक्ट नहीं किया है। अब यहाँ से आप अगर इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं या अलग डिजाइन लगाना चाहते हैं पेज पर, तो आप यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है, यहाँ पे बिट मैप को सिलेक्ट किया तो बिट मैप के बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आपको। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के डिजाइन हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इनमें से किसी भी एक डिजाइन को सिलेक्ट कर लें जो आपको पसंद हो। सिलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को ओके बटन पे लेके आए और वहां पे क्लिक कर दें। यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, बैकग्राउंड सेटिंग फॉर ऑल पेजेस। इसका मतलब यह है कि आप जो बैकग्राउंड लगाना चाहते हो क्या सभी पेजेस पे लगाना चाहते हैं। अगर आप सभी पेजेस पे बैकग्राउंड कलर को लाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर देंगे, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे यस पे क्लिक किया। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे, जो आपने बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया था वह आपके पेज पे या आपके स्लाइड पे आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। इस प्रकार से आप पेज के बैकग्राउंड को बदल सकते हैं। अब एक एक करके सभी लाइन पर चेंज केस का अभ्यास करें।
अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से लोअर केस और अपर केस का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले आपको उस लाइन को सेलेक्ट करना है जिस लाइन पे आप लोअर केस को लगाना चाहते हैं या अपर केस को लगाना चाहते हैं। सबसे पहले लाइन को सेलेक्ट करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करें, एक बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर अपने पॉइंटर को चेंज केस पे लेके आए। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज एवरी वर्ड और टॉगल केस। हमने लोअर केस को सेलेक्ट कर लिया। लोअर केस को सिलेक्ट करते ही जो हमने लाइन सिलेक्ट किया था वो सारे वर्ड स्मॉल लेटर में आ जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर से अगली लाइन को सिलेक्ट करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके जाएं। फॉर्मेट मेन्यू पे ले जाने के बाद चेंज केस ऑप्शन पे क्लिक करें। फिर उसके बाद अपर केस को सिलेक्ट कर लें। अपर केस पे सिलेक्ट करते ही क्लिक करते ही आपके सारे लेटर्स कैपिटल लेटर में आ जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जो आपने लाइन सिलेक्ट किया था वो सारे लाइन कैपिटल में आ गए, उसके सभी लेटर्स कैपिटल लेटर में आ गए। इस प्रकार से आप लोअर केस और अपर केस का उपयोग कर सकते हैं। आइए वीडियो की मदद से कैपिटलाइज एवरी वर्ड और टॉगल केस करना सीखें। सबसे पहले लाइन को सिलेक्ट करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। लाइन सिलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके जाएं और वहां पे क्लिक कर दें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर अपने पॉइंटर को चेंज केस पे लेके आएं और कैपिटलाइज एवरी वर्ड पे क्लिक कर दें। जैसे ही कैपिटलाइज एवरी वर्ड पे क्लिक करेंगे, जो आपने लाइन सिलेक्ट किया था उस लाइन का हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर में आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप कैपिटलाइज एवरी वर्ड का उपयोग कर सकते हैं। फिर से अगली लाइन को सेलेक्ट करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे हमने लाइन को सेलेक्ट किया। लाइन को सेलेक्ट करने के बाद फिर से अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके जाएं, वहां पे क्लिक कर दें, एक बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर से अपने पॉइंटर को चेंज केस पे लेके आए, वहां पे क्लिक कर दें। उसके कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, क्योंकि हमें टॉगल केस करना है तो अपने पॉइंटर को टॉगल केस पे लेके आए, वहां पे क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हैं जो आपने लाइन सेलेक्ट किया था उस पर टॉगल केस लग गया है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। लाइन के हर एक वर्ड के जो पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर में आ गया है और बाकी सारे लेटर कैपिटल लेटर में है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर से सारे लाइन को सेलेक्ट करें, पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लें जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके आए और वहां पे क्लिक कर दें। फिर जाके सेंटेंस केस वहां पे क्लिक कर दें, जो आपका पैराग्राफ है वो सेंटेंस केस में आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। लाइन का पहला लेटर कैपिटल में है और बाकी सारे स्मॉल में है, ये सेंटेंस केस होता है। इस प्रकार से आप टॉगल केस और कैपिटलाइज एवरी वर्ड का उपयोग कर सकते हैं। अब आप स्लाइड के डिजाइन को चेंज करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से चेंज करके दिखाएं। आइए वीडियो की मदद से स्लाइड के डिजाइन को चेंज करना सीखें। सबसे पहले अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके आए, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। फॉर्मेट मेन्यू पे लाने पे वहां पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद स्लाइड डिजाइन ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफॉल्ट मतलब पहले से जो आपने डिजाइन चेंज किया था वो दिखा रहा है। फिर से अपने पॉइंटर को लोड लिखे ऑप्शन पर लेके आए और वहां पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोड स्लाइड डिजाइन के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, माई टेम्पलेट, प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड और प्रेजेंटेशन। इनमें से आप प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लें, फिर आप मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जैसे ही मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो जो आपने स्लाइड डिजाइन को सिलेक्ट किया है उसका यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं।
इस प्रकार से आप किसी भी डिजाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। हमने यह प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड में से सिलेक्ट किया और सबटाइटल एसेंट को सिलेक्ट किया और फिर ओके पे क्लिक कर दिया। वह डिजाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, वह डिजाइन यहाँ पे आ गया होगा। अब हम इसको हमें स्लाइड पे लाना है, तो ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, वह डिजाइन आपकी स्लाइड पे आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप स्लाइड की डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। अब आप स्लाइड लेआउट से लेआउट को बदलें, ब्लैंक लेआउट स्लाइड ले और उसमें कोई इमेज ड्रॉ करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से स्लाइड के लेआउट को चेंज करना सीखें। इसके लिए सबसे पहले आप अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके आएंगे, स्लाइड लेआउट में लेके आए। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जो आपके राइट साइड में है वहां पे स्लाइड लेआउट के ऑप्शंस हैं। आपको जो भी लेआउट पसंद है उस लेआउट को आप सिलेक्ट कर लें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की लेआउट्स उपलब्ध हैं, ब्लैंक्स लेआउट, टाइटल लेआउट। आप चाहे तो यहाँ से भी लेआउट को बदल सकते हैं। अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू में लेके आए और वहां पे स्लाइड लेआउट को सिलेक्ट कर लें, तो लेआउट्स आ जाएंगी और आप फिर यहाँ से किसी भी लेआउट्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी लेआउट आपको पसंद है उसको सेलेक्ट कर लें, आपकी लेआउट चेंज हो जाएगी। इस प्रकार से आप लेआउट का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, अपने इंप्रेस की फाइल को सेव करें और फिर कंप्यूटर को शट डाउन करें। आज की क्लास में आपने फॉर्मेट मेन्यू के ऑप्शन जैसे कि कैरेक्टर सब मेन्यू, पेज सब मेन्यू, चेंज केस, बुलेट्स एंड नंबरिंग, स्लाइड डिजाइन और स्लाइड लेआउट का अभ्यास किया।